उधर जम्मू के रियासी जिले के अधीन है श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट, जो पहली बार अस्तित्व में आई है। ये पहले कटरा विधानसभा सीट हुआ करती थी। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हर साल आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के कारण कटरा हमेशा सुर्खियों में रहता है। भाजपा और कांग्रेस के अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये आस्था का सैलाब है, दुर्गम रास्ते हैं, नीचे खाई है, भूस्खलन का खतरा है, डर है, लेकिन माता के दरबार में हाजिरी लगाने वाले भक्तों के जोश में कोई कमी नहीं आई। ये अलग है कि अमन के दुश्मनों ने यहाँ दहशत फैलाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन साल 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद उन्हें माकूल जवाब मिला। नतीजा ये हुआ कि माता की कृपा पाने वाले श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या उमड़ती गई। केंद्र सरकार की तरफ से ट्रेन और हवाई मार्गों के विस्तार ने भक्तों और सैलानियों को यहां तक खींचा है। मसलन यहां रोजगार बढ़े हैं, आय में इजाफा हुआ है। पिछले साल के मुकाबले यात्रा संख्या थोड़ी सी बेहतर ही चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले 3 या 4 साल का मैं ट्रेंड बताऊंगा कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के दौरान तो सभी जगह पे यात्रा संख्या में कमी आई थी, उसके बाद जो है संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। और बोर्ड की भी जो हमारी लगातार कोशिश यही है कि बढ़ती हुई यात्रा संख्या के मद्देनजर जितनी भी यात्रा सुविधाओं में वृद्धि हो सके, बेहतरी हो सके और यात्रा अनुभव को और बेहतर बनाया जा सके, उसके प्रति बोर्ड जो है निरंतर प्रयासरत है। माता वैष्णो देवी विधानसभा को पहली बार विधानसभा का दर्जा मिला। भाजपा के प्रत्याशी बलदेव राज शर्मा कहते हैं कि माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में केंद्र सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ रुपए के 6 लेन सड़कों का निर्माण हो रहा है। कटरा में खास तौर पे डेवलपमेंट आप कह रहे हैं कि सेंट्रल सरकार की तरफ से 40,000 करोड़ की 6 लेन जहां पे उन्होंने दी है, 930 करोड़ रुपए का AMS उन्होंने वहां पे दिया है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक परिक्रमा को यहां पे अप्रूव किया है। जो परिक्रमा ये त्रिकुटा पर्वत के पीछे से होके, मतलब के मंदिर के पीछे से होके यहाँ पे आएगी, 108 किलोमीटर का जो है ये मेन मुद्दा रहेगा और यही यहाँ की जो है डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी भूपेंद्र जामवाल बीजेपी के विकास को सिरे से नकारते हैं। जामवाल कहते हैं कि बीजेपी ने माता वैष्णो देवी के पहाड़ खोद दिए। सबसे बड़ा मुद्दा तो वैष्णो देवी में ही है कि जो पहाड़ इन्होंने सारा खोखला कर दिया। आप जो नया ट्रैक इन्होंने ताराकोट वाला बनाया है, वहां पे इतनी ब्लास्टिंग की है, वो डिस्टर्ब हो चुका है पहाड़, और हर महीने जब भी बारिश होती है तो स्लाइड होता है, यात्री मरते हैं वहां पे। माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट परिसीमन के बाद 2021 में अस्तित्व में आई है। यहाँ कुल 56,000 मतदाता हैं। माता वैष्णो देवी विधानसभा में दूसरे चरण में 25 सितंबर को मतदान है। माता के दरबार में हर सियासी दल अपना मत्था टेक रहे हैं। अब देखना होगा कि किस प्रत्याशी पर माता वैष्णो देवी अपनी कृपा बरसाती हैं। माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कांग्रेस समेत कई उम्मीदवार माता वैष्णो देवी की कृपा पाने के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना है कि दोनों प्रत्याशियों में से किस प्रत्याशी को माता वैष्णो देवी का आशीर्वाद मिलता है। कैमरामैन राधे कृष्णा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़।